हाय दोस्तों, मैं हूं सिराज और आप लोग स्वागत है मेरे चैनल सिराज टेक सॉल्यूशन में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रोग्रामिंग इन जावा वीक वन का प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 4। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वीक वन प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 4, कंप्लीट द कोड सेगमेंट टू चेक वेदर द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या नंबर है? ए पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इफ इट्स इक्वल टू द सम ऑफ इट्स क्यूब डिजिट। फॉर एग्जाम्पल 153, 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल टू अगर 153 आएगा, दैट मीन्स इट्स आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। 370, 371, 407, 3 क्यूब प्लस 7 क्यूब इक्वल टू 370, 3 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 1 क्यूब इक्वल टू 371, 4 क्यूब प्लस 0 क्यूब प्लस 7 क्यूब इक्वल टू 407, दैट मीन्स दोज आर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे पहले से थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग किया हुआ है। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये इम्पोर्ट के लिए मीन्स इनपुट के लिए। पब्लिक क्लास, देन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर एस सी नाम का एक ऑब्जेक्ट लिया है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एन को इनपुट लिया जा रहा है। इंट एन इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ये किया हुआ था पहले। देन नेक्स्ट बोला गया था यूज व्हाइल लूप, चेक द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट, स्टोर द आउटपुट 1 और 0 इन रिजल्ट वेरिएबल। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, इंट टेम्प इजिकल टू एन, टेम्प नाम पे वेरिएबल लिए जहाँ पे एन असाइन किए, जो भी नंबर इनपुट ले रहा है वो असाइन हो रहा है टेम्पोरी में। देन इंट सी इजिकल टू 0, जो कि है 0 इनिशलाइज किए हम लोग। देन टी, देन व्हाइल लूप यूज किए हम लोग यहाँ पे, व्हाइल नंबर ग्रेटर देन 0। देन हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं, टी टी 10 से डिविजिबल है या नहीं। देन नंबर इज इक्वल टू नंबर बाय 10, देन सी इज इक्वल टू सी प्लस टी क्यू। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ टेम्पररी इक्वल टू सी देन रिजल्ट 1 और एल्स रिजल्ट 0। देन उसका बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। इसका जो दो ब्रांचेस है वो पहले से क्लोज है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपाइलर रन पे क्लिक करेंगे। कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते ही क्या शो करेगा, जो पब्लिक टेस्ट केस है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो पब्लिक टेस्ट केस है वो हम लोगों का पास कर चुका है। अब सबमिट आंसर पे क्लिक करते ही क्या शो करेगा, जो प्राइवेट टेस्ट केसेस है वो हम लोगों का पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो प्राइवेट टेस्ट केस है, टेस्ट केस 1 और 2, ये भी हम लोगों का पास कर चुका है। मतलब ये जो प्रोग्रामिंग हम लोग किए ये 100% करेक्ट है। ये अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।